हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडिट जोन। मेरा नाम है लोकेश और ये है अनूप सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो के लेआउटर के बारे में। अब तक के सेशन में हमने देखा था वीडियो फिल्टर एंड ट्रांजिशन के बारे में, उनके साथ हमने वीडियो एडिटिंग की थी। आज के सेशन में हम वीडियो के लेआउटर के साथ वीडियो एडिटिंग करेंगे। वीडियो के लेआउटर में हम वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, उसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। वीडियो लेआउटर का यूज़ वेडिंग, प्री वेडिंग, एल्बम या फिर जो बॉलीवुड म्यूजिक हम देखते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेआउटर में, मतलब हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं, और जैसे हम ट्रांजेक्शन एडिट करते हैं उसी तरीके से हम लेआउट को भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने उस पर कुछ वीडियो बनाया है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, आप देखिए उसमें हम कैसे कैसे करते हैं। ठीक। आपने देखा हमने जो वीडियो में इफेक्ट बनाए हैं वो सारा काम किससे है, लेआउटर से। तो लेआउटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं हमारे वेडिंग एडिट के अंदर। तो हम कोई भी एक फाइल लेते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग वीडियोस दिख रही हैं, इन पे हम जिस पे भी क्लिक करते हैं उसी का लेआउट हमें यहाँ शो करेगा इन्फॉर्मेशन में। अब इस लेआउटर को हमें डबल क्लिक करके ओपन करना होता है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी यूज आती हैं। वैसे तो लगभग सभी यूज आता है, लेकिन जिन पे हम काम कर सकते हैं, हम एडिट में इफेक्ट बना सकते हैं, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं उन्हीं पे हम बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है क्रॉप, तो यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। और अगर हम ऑटो एडजस्ट करना चाहते हैं तो ऑटो पे क्लिक कर देंगे, जिस भी साइड से हम क्रॉप करेंगे जैसे लेफ्ट से तो राइट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऑटो एडजस्टमेंट से। और फिर इसके नीचे हम आते हैं एंकर और पोजीशन, ये दोनों सेम ही वर्क करता है, ये पिक्चर को आपकी पोजीशन चेंज कर देता है। ये देखिए जैसे मैं लेफ्ट या राइट लेके जा सकता हूँ इसे, या टॉप या बॉटम पे भी लेके जा सकता हूँ। और इसी तरीके से एंकर में भी हम काम करेंगे तो वही वर्क करेगा। ठीक है, यह है स्ट्रेच, तो ये हमारी पिक्चर को जूम करने के काम आता है। ये देखिए आपको ये पिक्चर क्रॉप होती है नज़र आ रही है, पिक्चर हमारी बाहर की तरफ चलेगी। ओके, ठीक है। और फिर इसके नीचे हम आते हैं तो हमारे पास है रोटेट, हम हमारी पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखिए आप स्ट्रेच। और ये होता है हमारे सोर्स, ये हमारी जो पिक्चर भी आपको दिख रही है ये सोर्स है, तो इसे जैसे ही मैं कम करूँगा तो ये देखिए पिक्चर आपकी जो फेड हो गई। अब इसके नीचे अगर कोई बैकग्राउंड होता तो वो आपको शो करता, जैसे कि मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पिक्चर मिक्स हो गई उसमें, ये देखिए दिख रहा है अब आपको। हाँ जी, ये यहाँ से आपको मिक्स हो जाएगा। तो मैंने जैसे नीचे बैकग्राउंड रखा तो वो बैकग्राउंड में मिक्स हो गया। फिर इसके बाद में हम आते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हमें कब शो करता है, जब हमारी पिक्चर स्ट्रेस कम होता है इसका। जैसे अभी इसका साइज 100 है, अगर इसको मान लीजिए मैं 50 कर देता हूँ तो ये मेरा साइज कम हो गया। और मैं जैसे ही बैकग्राउंड बढ़ाता हूँ तो देखिए अब ब्लैक आ गया, यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड था वो हट गया और यहाँ पे ब्लैक कलर मेरा बैकग्राउंड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है एज। एज में हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैं कलर पे पिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसको जैसे मैं यहाँ से साइज बढ़ाऊंगा तो देखो आपकी बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर लग रहा है इस पे। इसको आप चाहे जैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये होता है बॉर्डर सॉफ्ट करने के लिए, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जैसे सॉफ्ट बढ़ाएंगे तो बॉर्डर जो आपका सॉफ्ट होने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो हमारे पिक्चर जब छोटी होगी तभी हमें शो करेगा। ये मैंने इस पर ड्रॉप शेडो किया और इसको मैंने यहाँ पे फ्लो कर दिया। आप जैसा चाहें वैसा फ्लो कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं और आपकी पिक्चर में यूज़ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे काम आती हैं और इनको हम कैसे काम में लेते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं एक बार इसको रिसेट कर देता हूँ। अब जैसे हम कोई पिक्चर को क्रॉप करके और उसे ओपन करना चाहते हैं तो उसे हम कैसे कैप्चर करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे होता है लेआउटर, आपको यहाँ क्लिक करना होता है और यहाँ हम क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम जो भी चेंज करते हैं तो वो हमारी कैप्चर हो जाती है। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए यहाँ से लेफ्ट साइड को क्रॉप किया तो देखो यहाँ पे आपके पॉइंट क्रिएट हो गए। ठीक है, और इसी टाइप से मैं राइट से भी कर देता हूँ तो ये मेरा राइट से भी हो गया। अब ये दोनों पॉइंट यहाँ क्रिएट हो गया। मैं अगर पिक्चर को आगे लेके जा रहा हूँ तो मेरे को शो नहीं करेगी। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जाके इसको वापस नॉर्मल कर देते हैं, तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये देखो आपका मोमेंट यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। तो
इस पिक्चर को हम लोग जैसे टॉप से बॉटम करना चाहे वो भी हो जाएगी? बिल्कुल वो भी हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने राइट से लेफ्ट किया था, टॉप और बॉटम भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 50 किया और यहाँ जाके मैंने इसको वापस नॉर्मल कर दिया, ये आपका। और इसको थोड़ा स्लो करना चाहे तो? बिल्कुल स्लो भी हो जाएगा। तो जो हमने ये भी पॉइंट्स किए हैं स्टार से और ये जो सेंटर तक, तो इसको हम पॉइंट्स को यहाँ से और आगे तक लेके जाएंगे तो ये स्लो हो जाएगा इस टाइप से। अगर आप इसमें बॉर्डर भी यूज़ करना चाहें तो आप बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से आप बॉर्डर साइज़ बढ़ा दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया है, अब आप देखेंगे तो ये बॉर्डर भी इसके साथ ओपन होगा। इस तरीके से आप क्रॉप है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पोजीशन पे। पोजीशन पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेस पे जाना होगा, क्योंकि जब तक हम पिक्चर का साइज़ कम नहीं करेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि हम पोजीशन क्या कर रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको इसी तरीके से अगर चेंज कर रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके स्ट्रेस साइज में जो है कम कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ ताकि मेरा पिक्चर लुक जो है वो अच्छा लगे। तो मैं इसको बॉर्डर भी क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से पोजीशन आप एंकर और पोजीशन दोनों कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जब मैं माउस से क्लिक करके और इसे जब नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो ये माइनस में जा रहा है, यानी कि आपके राइट से लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, यह ब्लैंक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको यहीं पे लेआउट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ भी पॉइंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ जाके सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं सेंटर यहाँ से भी कर सकता हूँ और यहाँ मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी सेंटर हो जाएगा। ये भी आपकी पोजीशन के लिए होता है, आप पोजीशन को कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ सेंटर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये पिक्चर बाहर से और अंदर की तरफ प्ले होके सेंटर आके रुक जाएगी। अब ये यहाँ पे आके अब रुक गई और इसके बाद में आप चाहते हैं कि आगे की तरफ प्ले हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वापस ये पॉइंट क्रिएट करने हैं और इन पॉइंट्स को इन्हीं के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसको यहाँ पे स्ट्रेस साइज जो भी आप देना चाहते हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 80 किया तो आप देखिए, आप यहाँ से यहाँ तक ये 50 रहेगा, उसके बाद में ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे पोजिशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेच पे। तो स्ट्रेच से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरी ये पिक्चर है यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लिक करके और स्ट्रेच साइज जो है इसका इसको बढ़ा दूंगा और फिर इसको यहाँ लास्ट में जाके मैं स्ट्रेच जो है इसका मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम जब इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ स्ट्रेच से आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। ये जो हमने लेआउट से मूवमेंट दिया, ठीक है, हमने जूम किया या जूम आउट किया, लेकिन ये क्यों दिया, ये ऑलरेडी भी अगर जैसे हमारे पास हो तो? ये इसलिए किया, कई बार क्या होता है कि हम पैनिंग शॉट नहीं ले पाते और ट्राईपोर्ड पे या किसी पे रख के हम शूट करते हैं तो वो कंटिन्यू वैसे ही शूट करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है हम कोई मूवमेंट नहीं दे पाते और वो जैसा आ रहा है वैसा ही चला जाता है। और अगर वहाँ बीट है तो वो बीट पे आएगा और वो चेंज हो जाएगा। अगर इससे लेआउट से अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे उसका फील आएगा, तो फील आएगा तो वो अच्छा लगेगा। इसलिए हमें लेआउट सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम खुद शूट करते हैं तो हम बहुत अच्छे से पैनिंग शॉट लेते ही हैं, लेकिन कई बार हम नहीं ले पाते, तो वहाँ आपके ये जो है बहुत मदद करेगा आपकी। अब हम इसको पैनिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसका स्ट्रेस साइज जो वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पिक्चर आपको बाहर की तरफ दिख रही है इसको मैं पोजीशन से बिल्कुल फिट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये इस साइड आपका लेवल पे आ गया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर इसको मैं यहाँ जाके इस साइड लेके आता हूँ, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये मेरा पिक्चर यहाँ पे मूवमेंट कैप्चर हो गया। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये आपको मूवमेंट इस टाइप से दिखेगा। तो हम एक स्टिल इमेज को भी पैनिंग मूवमेंट दे सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब जो मैंने एडिट किया है उसी पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसको मैंने प्ले किया, तो देखो इसको मैंने क्रॉप से प्ले किया है, क्रॉप करके और फिर मैंने जो पोजीशन दी है, जैसे मैं आपको बॉर्डर भी ऐड कर दिया, हाँ इसमें मैंने बॉर्डर भी ऐड कर दिया। ये देखिए आपको आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो स्ट्रेच है ये कैसे किया सर आपने? ये सर हमने 3D रोटेट से किया है और 3D रोटेट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 2D रोटेट, उसी तरीके से हमारे पास होता है 3D रोटेट, तीन रोटेट और ऐड हो जाते हैं। इन पर काम कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रेस साइज बढ़ाना होगा, फिर ये जब पिक्चर हमारी बाहर की तरफ चली जाएगी तो हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे। अब जैसे मैं इस फर्स्ट रोटेट पे अगर वर्क करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ क्लिक करें, फिर उसके बाद में इसको आप यहाँ से मूवमेंट दे दें। तो ये देखिए मैंने मूवमेंट दिया तो ये मेरी पिक्चर जो साइज़ है वो यहाँ पे आ गया, मतलब मेरे को ब्लैक नहीं करना है यहाँ पे, है ना, इस टाइप से नहीं करना है, मेरे को ऐसा रखना है यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसी टाइप से मैं इस पिक्चर को लास्ट में ले जाके और इसको मैं डाउन कर देता हूँ इस टाइप से, तो ये नीचे से फिट हो गया यहाँ पे, देखिए तो ये मेरा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हो गया, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे कोई ब्लैक भी नहीं आ रहा।
इसी तरीके से मैंने ये सारे जो आगे के पिक्चर हैं वो इसी तरीके से मैंने बनाया है, ये देखिए आप। इसमें भी हमने वही रोटेट काम भी लिया है। तो ब्लैक कैसे हुआ इसमें? ये ब्लैक ऐसे हुआ जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट के अंदर सॉर्स जो यूज होता है उस सॉर्स को मैंने फेड करके और फिर यूज किया। और ये जो पिक्चर्स इतनी सारी सर ये बिल्कुल ये सिर्फ लेयर वर्क है। तो आपको जो मैंने अभी तक अब जो भी बताया है आप उस पर जब वर्क करेंगे तो आपको ये सब चीजें भी इजी हो जाएंगी करना। सारा वही सेम वर्क जो सिंगल किया था वही अपन वही उसी पे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये भी पोजीशन एंकर पोजीशन ये आपका स्ट्रेस है सर। स्ट्रेस से हमने जैसे क्या किया मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी तक हम क्या करते हैं जैसे स्ट्रेच अगर हम यूज करते हैं तो दोनों हमारी सेम वर्क करती है। जैसे अगर मैं लो इसमें मैंने साइज डाला तो इसमें भी वो सेम ही साइज आता है लेकिन इसके अंदर सेम साइज नहीं आ रहा है। मैंने इसको यहाँ से अनलॉक कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉक करता तो ये फिट साइज हो जाता लेकिन मैंने इसको फिट नहीं रखा यहाँ पे अनलॉक कर दिया इसे और फिर मैंने यहाँ पे इसको साइज बढ़ा दिया है दोनों अपन खुद के हिसाब से मॉडिफाई। हाँ तो ये देखिए आप देख रहे होंगे ऊपर नीचे से पिक्चर स्ट्रेच हो रही है ठीक है ना। तो ये सिर्फ यही मूवमेंट कर रहा है ये मूवमेंट नहीं कर रहा है ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से बनेगा तो ये भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी आपके इफेक्ट बीट टू बीट जब आप काम करते हैं तो आपके बहुत काम आता है। ये 3D हाँ ये रोटेट है बिल्कुल सर 3D रोटेट है। ये हमारा पीछे क्रॉप करके ऊपर बिल्कुल ये क्रॉप इसमें क्रॉप भी यूज आया और स्ट्रेच भी आपके यूज आया और पोजीशन भी यूज आई है ठीक है। इस टाइप से आप बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं आपके वीडियो को बहुत यूनिक कर सकते हैं ये सब चीजें। तो देखा आपने कैसे हम वीडियो लेआउटर को यूज़ करके हमारे वीडियोस को और भी अच्छे से एडिट कर सकते हैं नए इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने वीडियो एडिटिंग कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात की है। और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।